नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, और एपिडेमियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं महामारी विज्ञान। महामारी, जो जो बीमारी होती है उनसे रिलेटेड जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स इज समटाइम सेड टू बी द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इनको लगभग, मतलब कि एक क्लियर कट तो नहीं, लेकिन कहा जाता है क्या, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी समटाइम्स, कभी कभी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन नोन टू हैव एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अक्रेंस ऑफ डिजीज एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कि उन्होंने क्या किया था, पहली बार बीमारी और जो एनवायरमेंट है उसके बीच में, यानी एनवायरनमेंट की वजह से बीमारी का अक्रेंस हो रहा है उसके बीच में इन्होंने रिलेशनशिप को क्या किया था, एग्जामिन किया था। इसलिए अब हम एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग यहाँ पर जानते हैं। एपी का मतलब होता है ऑन, अपॉन, बिफॉल, मतलब कि किसी पर। डेमो मीन्स पीपल, लोगों पर, या पॉपुलेशन पर, या मैन। डेमो मतलब पीपल, पॉपुलेशन और मैन, और लॉजी मतलब कि लॉजी या लॉगी मीन्स स्टडी, स्टडी करना। तो पीपल के स्टडी करना, पीपल के स्टडी किस बारे में करना, डिजीज से संबंधित। तो ये होता है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इज नॉन एज एपिडेमियोलॉजी। ये डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन ने। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है फ्रिक्वेंसी, मतलब कि कितने अंतराल पर बीमारी हो रही है किसी स्पेसिफाई कम्युनिटी में, या पूरे जो भी लोकेशन है, या वर्ल्ड में, या कंट्री में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पर बीमारी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, किन के बीच में ज़्यादा है, एंड डिटर्मिनेंट्स क्या हैं उस डिजीज़ के, ये सब क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या एम्स होते हैं एपिडेमियोलॉजी के? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन IEA के अकॉर्डिंग इसके एम्स क्या क्या हैं एपिडेमियोलॉजी के, यहाँ पर जानेंगे। तो मेनली इसके थ्री मेन एम होते हैं। पहला होता है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या करना, हेल्थ और डिजीज प्रॉब्लम जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, किस मात्रा में है वो, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, किस एरिया में कितनी वो फैली हुई है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना। दूसरा है टू आइडेंटिफाई ईटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स द पैथोजेनिस ऑफ डिजीज। क्या क्या उस बीमारी के कारण हैं, रिस्क फैक्टर हैं और पैथोजेनेसिस है, वो जानना, आइडेंटिफाई करना। टू प्रोवाइड डाटा असेंशियल टू द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड टू द सेटिंग ऑफ द प्रायोरिटीज अमॉन्ग दीज सर्विसेज। तो जब हम सब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी है डिजीज़ की, क्या हेल्थ स्टेटस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद हम उस डाटा से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं सर्विसेज का, जो भी हम सर्विसेज देंगे वहाँ पर, जिससे कि क्या हो, डिजीज़ का प्रिवेंशन कंट्रोल और ट्रीटमेंट हो, और हमारी प्रायोरिटीज इसमें सेट करेंगे कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। देन आता है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का यूज़ किस में किया जाता है? पहला है टू स्टडी हिस्टोरिकली द राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन में कब वो डिजीज राइज हो रही है, बढ़ रही है, कब कम हो रही है, ये हिस्टोरिकली स्टडी करना। देन कम्युनिटी डायग्नोसिस करना, प्लानिंग करना, इवेल्यूएशन करना, इवेल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस, हर एक व्यक्ति का क्या रिस्क और चांसेस है उसको इवेल्यूएट करना, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन करना, कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, उस डिजीज की जो नेचुरल हिस्ट्री है उसको
कंप्लीट करना, सर्चिंग द कॉज एंड रिस्क फैक्टर को सर्च करना। नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी, क्या क्या वर्ड्स हैं या क्या क्या टर्म्स हैं जो कि एपिडेमियोलॉजी में यूज़ किया जाता है। पहला वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है एपी मतलब अपॉन, डेमोस मतलब पीपल। तो एपिडेमिक का मतलब क्या है? एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यदि कोई बीमारी फैल रही है तो उसको हम बोल देते हैं एपिडेमिक। जैसे कि कभी कभी कॉलेरा, आई फ्लू, इस तरह की बीमारी फैलती हैं काफ़ी बड़ी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो उसको हम बोल देते हैं एपिडेमिक। देन आता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है? इन पीपल द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया और द यूजुअल प्रिवेलेंस ऑफ गिवन डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर वो बीमारी मिलती मिलती है, तो इसको हम बोल देते हैं एंडेमिक। उस जियोग्राफिकल एरिया में मिलती है, जैसे कि कोई कहाँ कहीं पे मलेरिया, कहीं ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह से। पेंडेमिक का मतलब क्या है? पेन मतलब और, डेमोज मतलब पीपल। एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ओवर द होल वर्ल्ड, एक देश से दूसरे देश में और पूरे फिर पूरे विश्व में फैल जाती है, जैसे कि रिसेंट पेंडेमिक ऑफ कोरोना, कोरोना जैसे फैल गई थी, इसको पेंडेमिक कहते हैं। देन आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना, सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस करना, टेस्ट करना, स्क्रीन टेस्ट, केस फाइंडिंग प्रोग्राम, एडुकेट ट्रीटमेंट। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या जाएगा? डिसेबिलिटी लिमिटेशन, जिसमें रिहेबिलिटेशन आ जाते हैं। देन आता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? द अक्रेंस ऑफ एन इलनेस और इलनेस इन ए पॉपुलेशन, मतलब कि एक जो पॉपुलेशन है उसमें बीमारी के होने को मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्बिडिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज द डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। फिजियोलॉजिकल वेलबींग से क्या हो गया है? डिपार्चर हो गया है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, मतलब कि उसमें बीमारी आ गई है। द टर्म इज यूज इक्विवेलेंट टू सच टर्म, इसके लिए और जो टर्म यूज़ की जाएंगी मॉर्बिडिटी के लिए वो क्या यूज़ की जाएंगी? सिकनेस, इलनेस, डिसेबिलिटी एट्सेट्रा। देन आता है इंसीडेंस। इंसीडेंस रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मान लो ये मान लेते हैं 2023 से 2024, ये हो गया स्पेसिफिक टाइम। न्यू केसेस कितने आए इसमें एक स्पेशली उसके डिजीज़ के, तो उसको हम बोल देते हैं इंसीडेंस। प्रीवेलेंस क्या है? प्रीवेलेंस द टर्म डिजीज प्रीवेलेंस रेफर स्पेसिफिकली टू ऑल करंट केसेस, जिसमें कि ओल्ड भी आ गए और न्यू भी आ गए, एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन गिवन पॉपुलेशन। देन आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है द एंट्री एंड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द बॉडी ऑफ ए मैन, किसी भी व्यक्ति की बॉडी में इन्फेक्शन की एंट्री और डेवलपमेंट। कंटामिनेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ऑन ए बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस पे इन्फेक्शियस एजेंट का प्रेजेंट होना। ऑल्सो ऑन और इन क्लोथ, बेडिंग, टॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग, अदर इनएनिमेट आर्टिकल्स और सबस्टेंसेस, इन पे भी इन्फेक्शियस एजेंट का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? कंटामिनेशन। इनमें वाटर, मिल्क, फूड कुछ भी आ सकता है। देन आता है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब क्या है? फॉर पर्सन और एनिमल द लॉजमेंट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जो होता है उसका लॉजमेंट मतलब उसका रहना, उसका डेवलपमेंट और उसका रिप्रोडक्शन सरफेस ऑफ बॉडी और इन द क्लोथिंग, जैसे कि लाइस है, ईच माइट है, ये सब चीज़ें। इसमें होस्ट कौन होता है? एक पर्सन होता है। देन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? ए क्लिनिकली मैनिफेस्ट डिजीज ऑफ मैन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से जो होती है। देन आता है कॉन्टेगियस डिजीज, ये क्या है? ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से फैलती है, जैसे स्कैबीज, ट्रैकोमा, एसटीडी, लेप्रोसी। कम्युनिकेबल डिजीज,
कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बींग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल और फ्रॉम द एनवायरमेंट। व्यक्ति से व्यक्ति में हो सकती है, जानवर से जानवर में और एनवायरमेंट से भी हो सकती है, जो कि जैसे एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर, फूड, इससे हो सकती है। उसको हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। देन एपिडेमिक हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मीजल्स, चिकन पॉक्स। एंडेमिक हम पढ़ चुके हैं, कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस। देन आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है स्कैटर्ड अबाउट, उसका फैलना। द केस अगर इरेगुलरली, हैफाजर्डली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इरेगुलरली हो रहे हैं एंड जनरली इनफ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, जैसे कि पोलिया, पोलियो, टिटनेस, हर्पी जोस्टर, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, तो ये होते हैं स्पोरेडिक। देन एग्जोटिक डिजीज विच आर इम्पोर्टेड इन टू कंट्री इन विच दे नॉट डू नॉट अदरवाइज, मतलब उस कंट्री में होती नहीं है लेकिन आ जाती है, जैसे कि रेबीज इन UK। देन आता है एपिजूटिक। एपिजूटिक मतलब आउटब्रेक, एपिडेमिक ऑफ डिजीज इन एनिमल पॉपुलेशन में एपिडेमिक होना, जैसे कि एंथ्रैक्स, ब्रूसेलोसिस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। देन एपोरिनिथिक मतलब कि आउटब्रेक ऑफ या एपिडेमिक ऑफ डिजीज बर्ड पॉपुलेशन, जैसे कि बर्ड फ्लू। देन एंजूटिक। एंजूटिक मतलब एंडेमिक अकरिंग इन एनिमल, एंथ्रैक्स, रेबीज, ब्रूसेलोसिस। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड इन पेशेंट वाइल इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या है? दिस इज इन्फेक्शन बाय ऑर्गेनिज्म दैट टेक द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड डिफेक्ट इन होस्ट डिफेंस टू इन्फेक्ट द होस्ट एंड हेंस कॉज डिजीज। होस्ट में क्या हो गई है? कोई अपॉर्चुनिटी हो गई है, क्योंकि उसकी डिफेंस कमजोर हो गई है, इसलिए हर्पीस सिंप्लेक्स, साइटोमेगलो, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब वेरी कॉमन होते हैं किसमें? एड्स में, क्योंकि एड्स में क्या होती है? कम इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आज हमने यहाँ जाना एपिडेमोलॉजी की डेफिनेशन, इसके एम्स, इसके यूजेस और एपिडेमोलॉजिकल टर्म के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे एपिडेमोलॉजिकल मेथड और एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें।